ओके देन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक पे जाने के पहले काफी सारा थ्योरी अपन लोग ने किया है, राइट? ये थ्योरी अपने को समझ में आ गया है, राइट? इसको अपन लोग जब रिवाइज करते जाएंगे तो अपने को याद भी हो जाएगा। यस, राइट। चलो अब कहानी को, थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बोला कि अभी देखो, अभी मैंने ऑलमोस्ट 2-3 बार तुम लोग को सब चीजें बता दी, तो तुम लोग के दिमाग में चीजें फिट तो हो गई है, ठीक है ना? तो अभी अगर मैं तुम लोग को 2 मिनट देता हूं तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्या स्टार्ट किया अपन लोग ने 1995 के बाद, क्या सिस्टम सेटअप आ गया? कैन आई से डेलीगेशन का? मैं ट्राई करता हूं 1-2 पेज में पूरा जो भी पढ़ा है उसको एक बार एक जिस्ट बता दूं, बराबर है? सो इधर आ जाओ। सो कैन आई से यहां पे डेलीगेशन का सिस्टम आ गया। जैसे ही अपना डेलीगेशन का सिस्टम आया तो अपन लोग ने जो भी अपना काम था उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना चालू कर दिया। किसको? मैनेजर्स को, बराबर है? अब ये मैनेजर्स का क्या काम था? करेक्ट, डेलीगेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजर्स का क्या काम था? मैनेजर्स का काम था कि भाई हम लोग जो वो लोग काम कर रहे हैं उसका अपने को एक डेटा मिलते जाए। सो कलेक्ट, समराइज, राइट गाइस? और क्या वर्ड था? रिपोर्ट करेंगे वो लोग अपने को, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है पब्लिक? कैन आई से कॉस्ट आता है, रेवेन्यू आता है, एसेट्स आता है, एटसेट्रा आता है, ठीक है? नहीं, चलो डन। अब अपन ने देखा कि यार डेलीगेट करना है, पर डेलीगेट करने के भी 4 तरीके होते हैं, बराबर है? सबसे पहले कि ऑर्ग स्ट्रक्चर अपने लिए बनाना जरूरी है ताकि पता चल जाए कि किसके क्या रोल्स ऑफ इंडिविजुअल है। यस एवरीबॉडी, यस सर। दूसरा, किसका क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये दूसरा चीज है। एंड तीसरा, कोऑर्डिनेशन कैसे होने वाला है। एंड तीसरा, कोऑर्डिनेशन कैसे होने वाला है। अब इसके लिए टोटल 4 ऑर्ग स्ट्रक्चर सेटअप किए गए। कहना ही से ये 4 ऑर्ग स्ट्रक्चर क्या है? पहला है एंटरप्रेन्योरियल ऑर्ग स्ट्रक्चर, 1 पर्सन 1 प्रोडक्ट, 1 पर्सन 1 प्रोडक्ट, बराबर है? ठीक है। दूसरा क्या है मेरा? दूसरा है फंक्शनल। फंक्शनल क्या है? 1 प्रोडक्ट प्लस मेनी पर्सन्स। तीसरा क्या है? डिविजनल। डिविजनल के लिए एग्जाम्पल, करेक्ट, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, मेनी प्रोडक्ट प्लस मेनी पर्सन्स। और फिर क्या है? मैट्रिक्स, एलएनटी, इसका एग्जाम्पल है, एलएनटी का एग्जाम्पल, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। फिर अपन लोग आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स पे, ये लोग जितने भी लोग हैं, ये लोग सब लोग जो काम करेंगे उनको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एलोकेट करके उनका काम पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग सेटअप करते हैं कॉस्ट सेंटर, जहां पे मेरा प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर रहेगा। इसका काम है कॉस्ट सेविंग करके जितना अपन बेनिफिट कर सके, बेनिफिट दे सके प्रॉफिट में। फिर बाद में आ गए अपन लोग रेवेन्यू सेंटर पे, यह मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम वाले का काम है। फिर बाद में आ गए अपन लोग प्रॉफिट सेंटर पे, ये कंपनी का सीईओ का काम है जिसका प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों देखना है। और फिर आ गए अपन लोग इन्वेस्टमेंट सेंटर पे, इन्वेस्टमेंट सेंटर पे अनंत अंबानी जो है वो इन्वेस्टमेंट लेता है पापा के पास से, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब तक वो इन्वेस्टमेंट सेंटर रहेगा और फिर वो प्रॉफिट सेंटर में तब्दील कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, क्लियर है क्या आप लोग को? ये 2 पेज में सब चीजें एकदम विजुअलाइज हो गई क्या? अब अगर मैं ये पूरा का पूरा हटा दूं और आप लोग को बोलूं आप लोग अपने बुक पे ये पूरा का पूरा शीट बना के दिखाओ जो भी मैंने बोला है, क्या कर पाओगे एवरीवन? राइट, याद रहेगा जिंदगी भर, डन है। अभी तो ये और बहुत बार अपन रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली दिमाग में हो जाएगा। मेन था समझना जो आप लोग को हो गया है, अब इसको रिवाइज भी मैं मेरे स्टाइल से करवाते रहूंगा जब तक ये चैप्टर होगा, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, इज माय प्रॉमिस। कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे पब्लिक, कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। आइए आइए, गच्चा, एवरीबॉडी इज गच्चा। चलो आगे करते हैं सेकेंड चीज के ऊपर। अभी अपन लोग अब आ गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अब अपन लोग आ रहे हैं एक और अच्छे लेवल पे ऊपर। कैन वी से प्रॉफिट सेंटर विल ऑलवेज वी इन्वेस्टमेंट सेंटर? क्या बोल रहे हैं प्रयास? इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम है एक रिटर्न लेकर आना, जितना उसने इन्वेस्टमेंट लिया है ना उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई लेकर आ, इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर
और फिर अपने आप को प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट कर दे। डन, ओके। चलो अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एंड ये है कि अब भाई मैं क्या बोल रहा हूं, इतने सारे लोग आ गए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो आईटी वाला आ गया है, ऑपरेशंस वाला आ गया है, मार्केटिंग वाला आ गया है, कॉस्ट सेंटर है, तो प्रोडक्शन वाला है, परचेज वाला है, इतने सारे लोग है, रेवेन्यू वाला है, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं, और कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये सब लोगों का परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए कैन आई से एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डालना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम लोग। ब्रेक के पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितने लोग अब मेरे पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं, इतने सारे लोग मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब अगर इतने सारे लोग मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं तो कैन आई से इनको मैनेज करने के लिए मुझे एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डालना पड़ेगा, जो ये चैप्टर सिखा रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो अब अपन लोग आ रहे हैं इसी बात के ऊपर, जी हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे। किसके ऊपर आ रहे हैं अपन लोग? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। जी हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सेट करने के पहले आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा? क्या? कभी नहीं। जैसे मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी जेपी मॉर्गन में काम किया है, कम से कम 2 लाख एम्प्लॉइज है जेपी मॉर्गन में, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है दैट इट इज अनबीटेबल। सो वो कैसे कर पाए? उनका भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। जैसे मैं था असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस टीम में, ये असेट मैनेजमेंट टीम जो है, इस असेट मैनेजमेंट टीम का एक हायरार्की था। इस हायरार्की में तो देयर यूज्ड टू बी एसोसिएट मैनेजर्स, फिर उसके नीचे सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, वैसा। सो हर एक बंदे को अपना अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप किया है। फिर हम लोग का एवरी 6 मंथली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इवेल्युएशन होता था। दैट्स हाउ द कंपनीज ग्रो, प्रैक्टिकली होते हुए देखा है मैंने, ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो। यस, एंड बड़ी बड़ी कंपनीज में दैट्स हाउ दे फंक्शन, राइट? चलो करेक्ट। चलो अब सो सबसे पहला काम, अगर आपको एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सही तरीके से सेटअप करना है तो कहने से आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप बराबर होना चाहिए, राइट एवरीबॉडी? सो सबसे पहले आपको एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूपम पूछ रही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, एक ही बात है, डोंट वरी। इसके जगह पे मैं इधर ब्रैकेट में मेजरमेंट लिखूं तो भी कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेजरमेंट मैनेजमेंट तब भी हो पाएगा जब एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप होने के बाद दूसरा काम है प्रॉपर डेलीगेशन, कौन क्या काम कर रहा है वो तो पता हो, सो क्या डेलीगेशन किया है और किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सेकेंड चीज है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। क्या यही दो चीज से काम हो जाएगा? नहीं। अब जैसा रूपम जी ने बोला, इनको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए आप लोग मुझे बताओ, एक ही तरीका होना चाहिए या दो तरीके होना चाहिए, आप मुझे बताओ। आप लोगों को क्या खाली मार्क्स के बेसिस पे आईसीआई को डिसाइड कर देना चाहिए, या मार्क्स के साथ आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, मार्केट नॉलेज, ओवरऑल पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना चाहिए कि हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लायक है? क्या लगता है पब्लिक? करेक्ट। सो कहना इसे आपको कुछ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर सेटअप करने पड़ेंगे। सो थर्ड चीज है
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स सेटअप करने पड़ेंगे। और कुछ? और फिर लास्ट में रिव्यू करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई सब चीज बराबर चल रही है या नहीं, ठीक है। सो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। क्या रिव्यू करना पड़ेगा? सबके केपीआई टारगेट्स रिव्यू करने पड़ेंगे। सर केपीआई क्या होता है? बताता हूं, सब बताता हूं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई आपको रिव्यू करने पड़ेंगे एंड करेक्शन एक्शन लेना पड़ेगा अगर चीजें सही नहीं हो रही है तो, करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को मैंने केपीआई दे दिया है, अब आप लोग को एग्जाम में एससीएमपी में दुनिया के लिए पासिंग 40 है, क्या आपके लिए भी 40 ही पासिंग है? मैं आपको पूछ रहा हूं क्या आपके लिए भी 40 पासिंग है? क्या आपके लिए पासिंग मार्क कितना है एससीएमपी में बताएंगे आप? हाँ, आपके लिए कितना है? 60 मार्क्स आपके लिए पासिंग है। तो आपका केपीआई टारगेट क्या है? आपके लिए मिनिमम 60 मार्क्स का आपका पासिंग है लाने हैं। यस 70s 80s में लाएंगे, 101% मेहनत करेंगे उतना, बट फिलहाल मेरा केपीआई क्या है? 60 मार्क्स मिनिमम, ये मेरा केपीआई टारगेट है। अब ये केपीआई टारगेट मैं अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं तुम लोग का से फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर हो गया, मैं आप लोग का ट्रांसफर प्राइसिंग का एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, उसमें से फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को आता है 60+ और कुछ लोगों को आता है 60 से कम। तो जिनको 60 से प्लस आया है वेरी गुड, कीप गोइंग, अच्छा जा रहे आप लोग, बट जिनका 60 से कम आया है तो उन लोगों का ये मेरे को कुछ करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हर्ष कुकरेजा है, उसका 60 से कम आएगा तो उसके लिए मुझे कुछ करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। उसको मेरे को वापस से बोलना पड़ेगा कि भाई वापस से लेक्चर्स दे, डाउट से पूछ मुझे, राइट। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनको डेफिनेटली ट्रांसफर प्राइसिंग में 60 प्लस आएगा अगर, तो वो बोल सकते हैं कि यस हमारा केपीआई टारगेट अचीव हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो केपीआई बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत जगह पे। आप लोगों को मैंने बता दिया आप लोगों का केपीआई क्या है, ये 60 प्लस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मेरा सेल्स टीम बाहर बैठा है, उसको केपीआई देखे रखा है, तेरे को महीने का 100 ऑर्डर लेके आना है, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर वो 100 ऑर्डर लेकर आया तो उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पॉजिटिव है। 60 प्लस वालों को पार्टी, अच्छा भाई देख रहा हूं मैं, ठीक है। सो मेरा जो टीम है सेल्स टीम, उसको मैंने केपीआई दिया है 100+ ऑर्डर्स आना चाहिए महीने का, समझ रहे हो तुम लोग, उसका केपीआई टारगेट है 100। वैसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उनके बिजनेस के हिसाब से केपीआई टारगेट्स देती है। आप लोगों को एक ऑडिट के लिए भेजा जाएगा, आपको बोला रहेगा कि भाई 5 दिन में ये ऑडिट कंप्लीट करके आपको एक केपीआई टारगेट दिया है, 5 दिन में आप लोग वो ऑडिट करके आ गए, यू आर फॉलोइंग द केपीआई। समझ रहे? चल डन। नो आशीष, बेंचमार्किंग अलग है, आगे बेंचमार्किंग भी आएगा वो अलग है। चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी, आगे बढ़ेंगे। बट याद रखना इस केपीआई के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्रयास, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी केपीआई को आपको तोड़ना हो बट क्वालिटी पे फोकस करना हो तो आप केपीआई को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना पब्लिक? वाह, चल डन। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मेरे को सेटअप करने का, अगर ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम सेटअप करना है मेरे को, देन इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एंड KPI टारगेट्स को रेगुलर बेसिस पे अपने को रिव्यू करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है पब्लिक। समझ में आया? यस सर। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप कर दिया है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम सेटअप कर दिया है किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए। यस वत्सल वर्मा, थ्योरी नोट्स रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए बिंदास तू मैजिक बुक ले, दैट विल बी द बेस्ट। चलो आगे बढ़ेंगे। कैसे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मेजर्स रखा जाए, कैसे परफॉर्मेंस मेजर्स रखा जाए? अभी मैं तुम लोगों को चलो पूछता हूं कि
आप लोग ने बोला कि सर सीए को एक खाली मार्क्स के बेसिस पे नहीं सीए बनाना चाहिए, कुछ और परफॉर्मेंस मेजर्स भी रखने चाहिए, तो क्या परफॉर्मेंस मेजर्स रखने चाहिए आप बताओ। बोलो आप लोग बोलो, कैन आई से, एक तो मार्क्स तो हो ही गया, मार्क्स तो चाहिए ही, उसके अलावा और क्या? कैन आई से आप लोग का कितना अच्छा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस है, करेक्ट? ओके। कैन आई से आप लोग का कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि आगे जाके जब डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो बस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए पब्लिक। और कुछ? प्रैक्टिकल नॉलेज, मार्केट नॉलेज कितना अच्छा है आपका? सो प्रैक्टिकल मार्केट नॉलेज कितना है आप लोग का? अच्छा, करेक्ट। सो कैन आई से परफॉर्मेंस मेजर के लिए आपने एक बोला, दो बोला, तीन बोला, चार, ये सब चीजें बोली। वैसा ही प्रैक्टिकली कंपनी को, वैसा ही प्रैक्टिकली कंपनी को अगर एक गुड परफॉर्मेंस मेजर सिस्टम सेट करना है, एक कंपनी को अगर एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस मेजर का सिस्टम सेट करना है, देन इन दैट केस या कितना एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वेरी गुड। तो वैसे एक कंपनी को अगर एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम सेटअप करना है तो कुछ ऐसा सिस्टम सेटअप करना चाहिए जैसे जिससे आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों को मेजर कर सको। सो आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों पे ध्यान सको ध्यान दे सको, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों के ऊपर फोकस कर सको, ठीक है? आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है अभी फटाफट, जो भी लेक्चर्स में समझते आ जा रहा है, होमवर्क दे रहा है, वो आप लोग को कंप्लीट करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलर बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट में ये चीज कैरी ऑन करना है, पूरे फुल फुल टेस्ट देने हैं, तब जाके अपन सीए बन पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के आपको एक मेजरमेंट सिस्टम सेट करना चाहिए। दूसरा, कंट्रोलेबल चीजों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सो अकाउंटेबिलिटी शुड बी ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स। जैसे एक बार क्या हुआ पता है क्या, इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा ऑन शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, और आपके पूरे पोर्शन में शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड है ही नहीं, तो भाई जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, जो मैंने पढ़ी ही नहीं है, जो मुझे पता ही नहीं है, उसके बारे में तुम क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चलेगा दीदी। हाँ, आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर, मतलब वो ही जो कॉन्सेप्ट हो गया है, जैसे आरओआई आरआईईवीए है या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के जो कॉन्सेप्ट हो गए, उसके ऊपर आप बाहर से क्वेश्चन पूछो, ना मॉड्यूल, ना आरटीपी, ना एमटीपी, ना पास पेपर, बाहर से क्वेश्चन पूछो, तो आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स के लिए मुझे अकाउंटेबल रख रहे। बट आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं अकाउंटेबिलिटी आपको कहां से दूंगा? सो मेरा जो काम है उस चीज के लिए आप मुझे जज करो, जो मेरे हाथ में है और मैं अच्छी तरह से कर सकता था, उसके लिए आप मेरे को अकाउंटेबल ठहराओ। सो ये आपका एक मेजरमेंट सिस्टम का एक बेस होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। एंड लास्ट लास्ट, अगर आपने केपीआईज मीट कर लिया तो आपके लिए उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। सो इंसेंटिवाइज ऑन अचीविंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई इधर लिखवा दिया है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई अचीव किया उसने, कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए उसको। गॉट इट गाइस, गॉट इट? डन गाइस, बोलो डन। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के दो तरीके होंगे,
एक होगा फाइनेंशियल मेथड, दूसरा होगा नॉन फाइनेंशियल मेथड। फाइनेंशियल मेथड में तीन चीजें अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रेसिडुअल इनकम, EBA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जी हाँ, तो आज जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था अपने को यहां पे पहुंचना है और अपन लोग पहुंच गए हैं। चलो अब इसको यहाँ पे अपन लोग बिल्डअप करते जाएंगे। वैसे ही नॉन फाइनेंशियल मेथड्स भी है जो अपने को करने हैं। पहला मेथड है TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बैलेंस स्कोर कार्ड, BBM, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, बट आप लोगों को क्या मेरे पे विश्वास है कि मैं मेरे एग्जाम्पल से आप लोगों को ये पूरा थ्योरी आपके दिमाग में घुसा दूंगा? यस, मुझे भी आप पे विश्वास है आप लोग यस यही अंडरस्टैंडिंग से सब चीजें ग्रेस्प कर लेंगे एंड वी विल बी चैंपियंस ऑफ दिस टॉपिक। यस, चलो लेट द गेम बिगिन। चलो 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 चालू चालू चालू। सो फुल विश्वास, बहुत बढ़िया। चलो मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, अपने को कहां से मैंने स्टार्ट किया ब्रेक के बाद, क्या कि भाई इतने सारे लोग हैं तो इन लोगों के ऊपर ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। जैक मा है ना, जैक मा अलीबाबा का फाउंडर, चाइना अलीबाबा का फाउंडर, जैक मा बोलता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख लोग हैं। 2 लाख लोग में से 1% लोग भी अगर मेरे खराब निकले ना तो फिर बाद में मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का 1% है 2000। अब 2000 लोग भी बोलते हैं ना काम नहीं करेंगे ना, सो इट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर मी। So, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम चलो चलो सो आप अपने को यहां पे एक चीज बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बट वो मेजरमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए, डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आप लोग के एकदम अच्छी तरह से सेटअप होने चाहिए जो भी अपन लोग ने किए, एंड KPI को रेगुलरली आपको रिव्यू करना चाहिए। प्लस आप जो सिस्टम बनाओगे उस पर आपको एम्प्लॉय का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ध्यान रखना है, कि आप कुछ उसको शॉर्ट टर्म काम दे रहे हो बट उसका करियर आगे कैसे ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में वो देखना है। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो काम वो कर सकता है उसके लिए उसको बोलो आप कि भाई तूने अच्छा किया बुरा किया, जो उसके हाथ में ही नहीं है उसके लिए उसको मत कुछ बोलो, और अगर वो टारगेट मीच कर रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज करो। ये एक परफॉर्मेंस अच्छा मेजरमेंट सिस्टम का, ये दीज आर द बेसिस ऑन विच थिंग्स वर्क। चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर क्लियर एवरीबॉडी। सो बस इस सब को ध्यान में रख के हमने बोला ठीक है टोटल 8 परफॉर्मेंस सिस्टम्स है जो अपन लोग सेट करने वाले हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रेसिडुअल इनकम, EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नॉन फाइनेंशियल TBL, परफॉर्मेंस पिरामिड, बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। समझी गुड एवरीबॉडी? चलो इसी बात पे अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग अपना पहला फाइनेंशियल मेजर जिसका नाम है ROI। चलो 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 आप चतुर रांचो बना दे, क्या बात है, क्या बात है, क्या है? अच्छा अभी सुनो क्या बोल रहे हो, मैं फ्लो में करवाते जाऊं आगे कि लिख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, फ्लो में करवाओ आगे तुम लोग बाद में। यस, नोट्स तो रह गई, वहां से डाउनलोड करके कॉपी कर लेना, डेफिनेटली कॉपी तो करना ही है आपको, लिखना तो है ही भाई, देयर इज नो शॉर्टकट टू राइटिंग एवर एवर एवर, पाप लगेगा। चलो आगे बढ़ते, अरे आज क्या ऑन द स्पॉट
लेक्चर खत्म करने के पहले तेरे को तू अपलोडेड दिखेगा ड्राइव में। चल डन, ओके लेट द गेम मूव ऑन। तो अब अपन लोग कर रहे हैं सबसे पहले चीज के ऊपर जिसका नाम है आरओआई, जो आप लोग ने किया हुआ है बचपन में भी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब आप लोग ने जो किया है वो है, वो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला अगर है, इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग को पता होगा शायद कि भाई कितना आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये देखो पहले फॉर्मूला डिराइव कर दे अपन लोग ये नाम से, कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना मैं कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा हूं, और उस कैपिटल एम्प्लॉय के सामने रिटर्न मतलब बेसिकली मैं कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा हूं। पब्लिक कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा हूं, अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस यस, समझ में आ गया, लॉजिकली समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। चलो सो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों ये सिस्टम अच्छा है, मैं आपको बताता हूं क्यों ये सिस्टम अच्छा है, क्यों ये सिस्टम बुरा है। सुनो, इसका एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या सुनना चाहेंगे आप पहले, पॉजिटिव सुनना चाहेंगे या नेगेटिव सुनना चाहेंगे? दोनों के लिए हम एग्जांपल देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, पर बता देते हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव सुनना चाहेंगे अथीरा जी, अथीरा जी पॉजिटिव सुनना चाहेंगे, तो हम पॉजिटिव सुना देते हैं आप लोग को इसके बारे में। देखिए से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के दो डिविजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए कंपनी है, कंपनी का डिवीजन है डिवीजन ए, डिवीजन बी। हाँ, अब सुनो, डिवीजन ए का नेट प्रॉफिट है 10 लाख, डिवीजन बी का नेट प्रॉफिट है 12 लाख। आप मुझे बताओ कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है? आप बताओ कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी? सबका सही जवाब आया है सर बी 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 सर, डेफिनेटली नेट प्रॉफिट जिसका हाई, हम तो उसी की तरफ है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल्ड डिगर्स है, हमारे को बस एक ही चीज दिखता है वो है अपना सपना, मनी मनी पैसा 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 पैसा। बट अगर मैं आप लोग को यहाँ पे बोल दू और एक चीज के इस डिवीजन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो डिवीजन ए के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 50 लाख रुपीज, और डिवीजन बी के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 करोड़ रुपीज। अब आप बताओ कौन सा बेटर है? अब तक जब मैं खाली नेट प्रॉफिट बता रहा था तो डिवीजन बी बेटर था, बट अब आप लोग बोल रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग को लग रहा है कि यहां पे इसका आरओआई चेक करना पड़ेगा, विच इज नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, एंड ये हम देख रहे हैं कि सर 20% डिवीजन ए का है, सर 12% डिवीजन बी का है, सर डेफिनेटली बेटर वे ऑफ एनालिसिस। मेरे को आप बताओ बेटर वे ऑफ एनालिसिस क्या था, बेटर वे ऑफ एनालिसिस क्या था, बेटर वे ऑफ एनालिसिस क्या था, खाली नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, या जब मैंने आप लोग को ये इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया उसके बेसिस पे? बोलो बेटर वे क्या था, बेटर वे क्या था? कुकरेजा बड़ी साई चनिया हो गया है क्या? चलो चनिया हो गया क्या बड़ी साई? कह रहे इसे विद इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली आरओआई का यही पॉजिटिव है, आरओआई का यही पॉजिटिव है, आरओआई का यही पॉजिटिव है दैट इट हेल्प्स इन
कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट साइजेस. चरिया ए कुकरेजा चरिया. चल आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए समझ में आया डाडो सुट्टो? चल 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 आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे. सो क्या पॉजिटिव है इधर लिखना है अपने को, इधर लिखना है अपने को क्या पॉजिटिव मिला अपने को. हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, राइट? ओके. अच्छा अब मुझे बताओ, ये आप लोग ने जो किया ना आरओआई का जो परसेंटेज निकाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. ये एक होता है एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, ये 10 लाख 12 लाख एब्सोल्यूट किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, बट ये रिलेटिवली बेटर है ऑर्गेनाइजेशन साइज के हिसाब से. ए इज रिलेटिवली बेटर देन बी, सो इसको कहते हैं रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. डन. सो अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है? अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है? बोलो बोलो चल चल. हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्प्स इन एनालाइजिंग रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी. समझ रहे हैं? समझ रहे? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? ओके ओके ओके. चालू चालू समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके. सो ओके गाइस, सो यहां पे अपने को समझ में आ गया है आरओआई क्या करता है. हेल्प्स इन एनालाइजिंग रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइज़, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट है. अब एक नेगेटिव पे आते हैं, अब एक नेगेटिव के ऊपर आते हैं अपन लोग, बराबर है? ठीक है, कहीं पे भी पॉजिटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव भी होता है. कोई भी चीज आता है ना, कहीं पे भी किसी का प्रॉफिट हुआ ना तो कोई तो लॉस हो रहा है, बराबर है? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है. आओ अब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं क्या होगा यहां पे, ध्यान से सुनना. अब सुनना ध्यान से, कैसे ये आरओआई सब गड़बड़ कर देता है, कैसे ये आरओआई सब गड़बड़ कर देता है. ठीक है, आईसीआई के मॉड्यूल का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए. आईसीआई के मॉड्यूल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना. चल आओ. नाउ अब मेरे पास दो डिवीजन है, एक है डिवीजन ए, दूसरा है डिवीजन बी. ध्यान से सुनना एग्जांपल को, आईसीआई का मॉड्यूल का एग्जांपल है, इसे कॉन्सेप्ट भी अपने को डिराइव करना है. तो एवरीबॉडी हैज टू स्टे फोकस्ड और एज यूजुअल तुम लोग का मेरे को आंसर्स चाहिए बार बार. ठीक है, ओके. डिवीजन ए है, डिवीजन बी है. डिवीजन ए का नेट प्रॉफिट है से 25 लाख एंड से उसका इन्वेस्टमेंट है से 2
टू क्रोर्स, ठीक है, टू क्रोर्स का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो वो कितना रिटर्न ला रहा है, करंट आरओआई कितना है उसका, चलो बोलो बोलो चल चल, करंट आरओआई कितना है उसका बोलिए जरा, यस 12.5%, ठीक है, करंट आरओआई उसका 12.5%, ठीक है। इस कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आरओआई को रखा है, और उन्होंने क्या रखा है पता है क्या, कंपनी अगर टारगेट आरओआई अचीव कर लेती है, कंपनी अगर टारगेट आरओआई अचीव कर लेती है तो उसको बोनस मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, उसको बोनस मिलेगा ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, ये डिपार्टमेंट को, डिविजन ए को, सबको ट्रिप टू स्विट्जरलैंड का बोनस मिलेगा, ठीक है, 1 करोड़ का बोनस देगी ये डिविजन को। फिलहाल इनका टारगेट आरओआई बोला हुआ है 12% का, टारगेट आरओआई बोला है 12% का, तो अगर 12% का टारगेट आरओआई है और ये लोग करंट 12.5 पे है, तो इन लोगों को रोज रात को सपने में स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है, इनको लग रहा है कि वाह भाई 12% का आरओआई, करंट आरओआई 12.5, इतनी खुशी इतनी खुशी, तो ये लोगों को लग रहा है कि बस अब हम उड़ने वाले हैं बहुत जल्द। इसी बीच में इनके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, इनके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये जो नया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का आरओआई है 10%, इस प्रोजेक्ट का आरओआई है 10%। और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 7.5%। आप लोग मेरे को बताओ कि क्या ये न्यू प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, शुड इट बी एक्सेप्टेड, पब्लिक आपको पूछ रहा हूं, शुड इट बी एक्सेप्टेड, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, क्यों 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 ऐसा भाई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7.5%, बराबर है, नया प्रोजेक्ट 10% देगा तो सीधी सी बात है 2.5% अपने को बेनिफिट मिल रहा है, वी विल एक्सेप्ट इट फॉर श्योर, बट अब मैं आपको आगे का कहानी बताता हूं, क्या आपको लगता है कि मैनेजर इसको एक्सेप्ट करेगा, विल मैनेजर ऑफ डिवीजन ए एक्सेप्ट इट, यस और नो, शुड इट बी एक्सेप्टेड, आपने बोला यस, क्या मैनेजर उसको एक्सेप्ट करेगा क्या, द आंसर इज मैनेजर में नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज उसको करंट आरओआई 12.5 का मिल रहा है, नया प्रोजेक्ट का आरओआई खाली 10% है, अब वो एवरेज करेगा तो उसको लगेगा कि वो खाली 11% के आरओआई पे आ जाएगा, और भले ही उसको यहाँ पे ये ओवरऑल फायदा होने वाला है डिवीजन को भी कंपनी को, बट वो दिखते हुए भी वो यहाँ पे नो बोल देगा, ओ गॉश, अरे बैठा प्रॉफिट है एक्सेप्ट कर ले, डिविजन ए ना बोल देगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को स्विट्जरलैंड जाने का, मैं ना बोल देगा, मैनेजर ऑफ डिविजन ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डर है कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एवरेज आरओआई उसका 12% से कम हो जाएगा और उसको बोनस नहीं मिलेगा, एंड ही विल से नो, ओ तो ट्रिप कैंसिल नहीं कराना चाहता है वासु जी, और इसीलिए वो मैनेजर ऑफ डिवीजन ए मना कर देगा, मैनेजर ऑफ डिवीजन ए मना कर देगा, क्या ये मैनेजर ऑफ डिवीजन ए सही कर रहा है क्या, क्या ये मैनेजर ऑफ डिवीजन ए सही कर रहा है क्या, द आंसर इज नो, कहना इसे वो सही नहीं कर रहा है सर, बट बिकॉज उसको ऐसा टारगेट आरओआई दिया है, बोनस दिया है, तो इसके पीछे भाग रहा है, एंड यही डिसएडवांटेज है आरओआई का, ये टारगेट आरओआई अचीव करने के चक्कर में आप कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देख ही नहीं रहे हो, इनफैक्ट आप खुद के डिवीजन का भी ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, एंड दिस इज अगेंस्ट गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल कॉन्फ्लिक्ट एब्सोल्युटली स्मृति उपाध्याय, एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ROI का, that it goes against the principle
प्रिंसिपल ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल कॉन्ग्रुएंस। ए समझिगड़ ये उसका नेगेटिव है। तो सर डिवीजन बी भी है, डिवीजन बी का एग्जांपल सुनो, आओ आओ डिवीजन बी का एग्जांपल सुनाता हूं, तुम बताओ क्या यहां पे भी कुछ गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या, तुम लोग ही बताओ। चलो आओ देखते हैं, आइए। सो यहां पे नेट प्रॉफिट है ये डिवीजन का, ये डिवीजन का नेट प्रॉफिट है से 10 लाख, और इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है से 2 करोड़। इस कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़। बताइए करंट आरओआई इसका कितना है, डिवीजन बी का करंट आरओआई कितना है, बोलो बोलो, चल चल। परसेंट, ठीक है। इसको भी टारगेट आरओआई दिया है, इसको टारगेट आरओआई दिया है, इस भाई को टारगेट आरओआई दिया है 7%। अब इसके पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, ये जो नया प्रोजेक्ट है इसका रिटर्न आ रहा है 6%। ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज यूजुअल है से 7%। आप मेरे को बताओ लॉजिकली क्या ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए मित्रों, क्या ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है इस पे रिटर्न मिलेगा 6%, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है से 7% या 7.5% ले लो, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए क्या। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लॉस हो जाएगा। बट आपको क्या लगता है क्या ये मैनेजर एक्सेप्ट करेगा क्या? द आंसर इज यस। पता है क्यों ये एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसको लग रहा है कि करंट आरओआई तो 5 है, अभी ये वाले में एटलीस्ट 6 मिलेगा, तो 5 से बेटर तो हो जाएगा एवरेज। चल चल एक्सेप्ट कर लेते हैं, चल चल एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही वो ये भूल रहा है कि इससे कंपनी का ओवरऑल नुकसान हो जाएगा, खुद के डिवीजन का भी ओवरऑल नुकसान हो जाएगा, बट यहां पे वो पूरी तरह से अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस जा रहा है। ए समझ गए एवरीबॉडी, बोलो बोलो चल चल। बस समझ रहे हो? सो दिस इज वॉट इज ऑल अबाउट आर वाई। फॉर्मूला आ गया अपना, यस। रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, यस। एक पॉजिटिव, यस। एक नेगेटिव, यस। अभी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सॉल्व क्वेश्चन आएगा, वो बाद में सॉल्व करेंगे। क्या इतना समझ में आ गया आपको? क्या इतना समझ में आ गया आपको? क्या मेरी ये एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? यस शाबाश, बोले तो छाप। अब आर ओ आई के बाद इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे अपन लोग टू आर आई। इतना 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 क्लियर है? जवाब नहीं दे रहे लोग। सर न्यू प्रोजेक्ट भी तो डिपार्टमेंट को दिया है, फिर कंपनी का क्या रोल है? कंपनी का कोई रोल नहीं है भाई, कंपनी ने सब काम अपना डेलीगेट कर दिया है बेटा। चलो डन, अब अपन लोग चल रहे हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर अपने। चलो डन है गाइस, चलो कहानी को आगे बढ़ाएंगे एंड चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है दैट इज रेसिडुअल इनकम। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे इज रेसिडुअल
इनकम। जी हां, आइए तो अब सुनो सुनो, रेसिडुअल इनकम क्या होता है, वो खाली नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है, उसका खाली एक ही फोकस है, वो है एब्सोल्यूट नेट प्रॉफिट। जैसे आपका ये आरओआई था, तो देखो अपन लोग ने आरओआई में क्या किया पता है, पहले अपन लोग ने आरओआई में उसका फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा कि वो क्या तरीका है उसका, वो है एक रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। रेसिडुअल इनकम क्या है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट? करेक्ट, दिस गिव्स यू द एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो अपने को चाहिए कि भाई कितना रिटर्न आ रहा है। सो इसका फॉर्मूला है रेसिडुअल इनकम का, आरआई को आप लोग लिख सकते हो एज, आरआई को आप लिख सकते हो एज ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न आपको चाहिए तो वो भी माइनस कर दो। सो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक है। एज सच इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसमें भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। बोलो बोलो, देखो ये आपका ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो बच गया वो क्या है, काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में से आप लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करना है, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, आरईटी मतलब रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स। तो जितने भी आपके एसेट्स है उनके ऊपर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। अब सुनो, अब सुनो, इसमें भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या सुनना चाहोगे पहले, क्या सुनना चाहोगे पहले, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं आप लोग को यह एग्जाम्पल देता हूं और बोलता हूं कि प्योर एब्सोल्यूट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन लो, तो क्या आप सही डिसीजन ले पाओगे क्या, क्या आप लोग सही डिसीजन ले पाओगे क्या? द आंसर इज नो। So, इसीलिए ये क्या करता है पता है, जो इसका पॉजिटिव है वो उसका नेगेटिव है, जो इसका नेगेटिव है वो इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव बनता है। हेल्प्स इन कंपेयरिंग डिविजन ऑफ डिफरेंट साइजेस, यहाँ पे डिविजन ऑफ डिफरेंट साइजेस को आप प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाओगे। So, इसका नेगेटिव क्या है, नॉट एबल टू कंपेयर प्रॉपरली डिविजन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, समझ रहे हो। अब इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, करेक्ट, इसका पॉजिटिव के लिए भी वापस से वही वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। अब सुनो, डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, डिवीजन ए है, डिवीजन बी है। डिवीजन ए का ऑपरेटिंग इनकम आया है से 100 लाख, इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया है से 25 लाख, इसका रिक्वायर्ड रिटर्न इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक है, वो आया है से 60 लाख। सो इसका नेट इनकम या रेसिडुअल इनकम क्या है, इसका रेसिडुअल इनकम क्या है, 15 लाख। आप मेरे को बताओ क्या इसका रेसिडुअल इनकम पॉजिटिव है? नेहा सिंघा ने बोल रही है आरआई के फॉर्मूला में ऑपरेटिंग एसेट समझ नहीं आया। अरे मैंने समझाया कहां पे है रे ऑपरेटिंग एसेट, जब सम सॉल्व करेंगे तब तेरे को समझ जाएगा। फिलहाल के लिए तेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ले ले इसको, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड समझती है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू जो भी तेरे को रिटर्न चाहिए। बट टेंशन मत ले, सम के टाइम पे क्लियर हो जाएगा, बड़ा बात नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं छोड़ता नहीं, सो डोंट वरी। हाँ भाई, सो यहाँ पे ऑपरेटिंग एसेट से फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग एसेट है से 100 लाख और उसका रिटर्न एक्सपेक्टेड है से 60% का रिक्वायर्ड रिटर्न, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ रहा है 15 लाख है, आप मेरे को बताओ इस कंपनी का आरआई रेसिडुअल इनकम 15 लाख है, क्या शुड द कंपनी एक्सेप्ट इट,
शुड द कंपनी एक्सेप्ट इट, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सपोज इसके पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन ऐसा कुछ हो रहा है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट? बोलो यस और नो. द आंसर इज 101% यस. क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव आरओआई है, एक्सेप्ट कर लो. बराबर है? ओके. विल द डिवीजन एक्सेप्ट इट? विल द डिवीजन एक्सेप्ट इट? विल द डिवीजन एक्सेप्ट इट? द आंसर इज यस. सो कैन आई से ये तो गोल कॉन्ग्रुएंस के साथ है कि एक्सेप्ट कंपनी को भी करना चाहिए, डिवीजन को भी करना चाहिए, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉलोज गोल कॉन्ग्रुएंस. ए समझ गए? और अभी अगर मैं डिवीजन बी पे आता हूं, और अभी अगर मैं डिवीजन बी पे आता हूं, देन इन दैट केस डिवीजन बी की मैं बात करता हूं तो उसका 100 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसका थोड़ा ज्यादा है 50 लाख, 60 लाख का उसका भी ये है, तो उसको नेगेटिव 10 लाख आ रहा है. शुड द कंपनी एक्सेप्ट इट? नो. विल द डिवीजन एक्सेप्ट इट? नो, क्योंकि लॉस आ रहा है. तो कंपनी की भी हाँ, डिवीजन की भी हाँ, कंपनी की भी ना, डिवीजन की भी ना, तो इसको कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस. समझ रहे हो? सो यहां पे क्या था, गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, एक्सेप्ट्स एक्सेप्ट्स एंड फेवर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस. ए समझ गए? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? वाह, मजा आ गया. क्लियर एवरीबॉडी? आर वाई आर आई एवरीबॉडी एवरीथिंग क्लियर? एकदम दिमाग में सेट है? इधर तक एकदम परफेक्ट सेट है? बोलो बोलो, चल चल. ये शोभित कुछ डाउट है पूछ ले. परफेक्ट, एकदम सिस्टमैटिकली दिमाग में सेट हो गया है. असम, चलो डन. अब एक सम मैं करवाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है. क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करना देंगे? मुझे नहीं लग रहा आप मुझे करने देंगे, बट कर लेते हैं. छोटा सा, एकदम छोटा सा सम है. आपको देख के लगेगा अरे सर क्या बात है, इतना इजी सम हो गया. आइए आइए आइए, कर लेते हैं ना. चलो नीति क्या बोल रही है तू? अरे नीति बोल रही है सर डज नॉट गिव एब्सोल्यूट रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, भी लिख सकते हैं ना, वो तो ऑब्वियस है ना. गिव्स यू एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब डज नॉट गिव रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी एंड वाइस वर्सा. चलो आज मैं पब्लिक के साथ सहमत हूं एंड पब्लिक ने बोला सर प्लीज आज के लिए इनफ है. So, आज के लिए इनफ है, बट मैं रिवाइज कराए बिना नहीं छोड़ूंगा. उसके लिए तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते. सॉरी, चलो सम नहीं करवाता हूं मैं, माना तुम्हारी बात, बट रिवाइज करवाऊंगा 101%. हार्डली 2 मिनट लूंगा, बट रिवाइज जरूर करवाऊंगा. ठीक है, चलो लेट्स से. ओके, सो कंपनी का नाम है, चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन मैं किसके लिए कर रहा हूं? कंपनी है. ये देखो, अभी तुम लोग प्लीज तुम लोग साथ देते रहना, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या? ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे ही लिए ना. मैं रिवाइज ना भी करवाऊ तो भी, मैंने इतना अच्छा पढ़ा लिया कि ना करवाऊ तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं करवा रहा हूं. दिस इज वॉट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स. तो प्लीज ध्यान रखो. किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी एंड एम्प्लॉइज के लिए. फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर अपना फोकस है.
तो अब यहां पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग देख रहे हैं कि बिजनेस बिजनेस कैसा है आफ्टर 1995, बिजनेस कैसा हो गया, डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट होने लगी चीजें, जहां पे टॉप अथॉरिटी ने बोला कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग मैनेजर्स अपॉइंट करेंगे और उनका काम है कलेक्ट समराइज रिपोर्ट ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट रिलेटिंग टू रेवेन्यू कॉस्ट एसेट्स एवरीथिंग ऑफ द फर्म। फिर उन्होंने बोला कि डेलीगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे रोल्स ऑफ इंडिविजुअल अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, और उसके लिए चार मेथड बताए गए, एंटरप्रेन्योरल वन प्रोडक्ट वन पर्सन, फंक्शनल वन प्रोडक्ट मेनी पर्सन, जहां पे फंक्शनल लेवल पे मार्केटिंग फाइनेंस एडमिन के हिसाब से डिवाइड किया गया, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेटअप किया गया जहां पे जैसे मैंने बोला रिलायंस जियो रिलायंस ऑयल रिलायंस ट्रेंड्स जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में उसको बाइफर्केट करके फंक्शनली फिर डिवाइड किया गया, एंड यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, फुल ऑटोनॉमी होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का, स्ट्रेटेजी डिसाइड करने का जो मैनेजर है उसको, एंड ये अप्रोप्रिएट है फॉर डाइवर्सिफाइंग एंड ग्रोइंग कंपनीज। फिर आया अपना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनीज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए यूज कर सकती है, इसका मेन थीम होता है मैनेज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड डेवलप अ क्रॉस फंक्शनल टीम विच विल हेल्प इन डिसेंट्रलाइज स्पीडी डिसीजंस एंड रिडक्शन ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट। इसके लिए मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जो आप लोगों को भी एग्जाम में बनाकर आना है। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को चार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में डिवाइड किया गया, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। Are you understanding, guys? Yes, sir. कॉस्ट सेंटर का मेन काम क्या है, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर जैसे लोग हैं, कॉस्ट को सेव करना, सुपरवाइज सेग्रीगेट एलोकेट एंड एलिमिनेट ऑल अनवांटेड कॉस्ट ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या है, इनिशिएटिंग एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रॉफिट सेंटर का काम है मैनेजिंग बोथ सेल्स एंड द कॉस्ट, एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर जो अपना इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना आरओआई है उसके ऊपर फोकस करता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। एंड फाइनली अपने को देखना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एक अच्छी तरह से सेटअप करना है, तो उसके लिए मेरे कुछ प्री रिक्वायरमेंट है, क्या कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट हो, डेलीगेशन प्रॉपरली हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के ऊपर मेरा फोकस हो, एंड केपीआईज को मैं मैनेज करता रहूं, राइट। ओके, एंड फाइनली परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अब मैं सेटअप करने जा रहा हूं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे फोकस करेगा, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखेगा एंड इंसेंटिवाइज करेगा ऑन अचीविंग केपीआई। अब इसमें दो मेथड्स है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मेथड में आरओआई आरआई के ऊपर आज अपना फोकस था, एंड आरओआई के ऊपर अपन लोग चल रहे हैं। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बोलता है कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आप कितना रिटर्न कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस एवरीवन। हेल्प्स इन एनालाइजिंग रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, और इसमें दो पार्ट होते हैं। क्या दो पार्ट होते हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? आरओआई का कंपैरिजन हेल्प करता है ऑफ डिफरेंट साइजेस, और नेगेटिव क्या है? अगेंस्ट द गोल कॉन्ग्रुएंस प्रिंसिपल, जो अपन लोग ने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पूरा का पूरा समझ लिया, राइट। और फिर बाद में आया था आरआई, जिसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड इनटू ऑपरेटिंग एसेट्स, जिसको अपन लोग कल सम के थ्रू करेंगे, एंड इट हेल्प्स अस टू गिव द एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। इसका एक पॉजिटिव ये है कि एक्सेप्ट्स एंड फेवर्स गोल कॉन्ग्रुएंस। रेसिडुअल इनकम बोलता है यार गोल कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है ये, एक्सेप्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस कि भाई जब कंपनी ने आ बोला तभी डिवीजन ने भी आ बोला, कंपनी ने ना बोला डिवीजन ने ना बोला। और नेगेटिव है यार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है उसको ये प्रॉपरली डिसीजन उसमें नहीं ले पाता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी टिल हियर? If yes, time for me to say hasta la vista. Thank you so much. Had a great, great session, guys. बस ऐसे ही करते रहेंगे. And I'm sure we will crack all the theories as well. Take care. Keep smiling. Keep enjoying. मिलते हैं अगले session में with more sums, with more theory. Thank you. Bye. Please आप लोग अब इसको लिख लेना. Please उधर shortcut मत मारना. मैंने मेरी तरफ से पूरा आप लोग को best दे दिया है. Please आप लोग shortcut मत मारना. लिख लेना. Please. Promise. And again मैंने बोला है लिख लो. भेज दो मेरे को उसका फोटो या पीडीएफ या कुछ व्हाट्सएप कर दो। बेस्ट डन, थैंक यू। ठीक है, ओके, यस, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, मंडे 6 PM डन। अभी का भी नोट्स अपलोड कर रहा हूं, लो रियल टाइम अपडेट, अभी तुम लोग चेक कर लो, रियल टाइम अपडेट सर आ गया, तुम लोग कंफर्म करोगे फिर ही मैं फाइनली टाटा बाय बाय बोलूंगा। खुश।
ये लो चेक कर लो, शाबाश। कौन चेक कर रहा है? जो भी चेक कर रहा है कर लो। चलो ऑलमोस्ट डन हो गया है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, अस्ताला विस्ता।